और मैं ईस्ट रीजन को हेड करता हूँ और इधर का सेल्स और मार्केटिंग में देखता हूँ। एडवाइजरी के फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारी पूरे कंट्री में अराउंड 300 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और अगरतला की जो ब्रांच है हम लोग यहाँ पे 2009 से सर्व कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे भी अराउंड हज़ारों कस्टमर हैं जो कि हमारे सर्विसेज से फुली सेटिस्फाइड है और हम उनको फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में उनको नीड के उनके नीड के अकॉर्डिंग लोगों को सजेस्ट करते हैं कि क्या उनके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे ये काम कंटिन्यूस हम लोग कर रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सोशल पोर्टल ने हमारी कंपनीज के बारे को चीट फंड के रूप में न्यूज़ इस पर चलाया था सोशल पोर्टल पर जो कि बिल्कुल गलत है और उनके लिए हमने लेटर भी भेजा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो पिछले 57 ईयर से हम लोग यहाँ पे फिनेंशियल सर्विसेज के फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारे पास कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, वो भी आप लोगों को शो करेंगे। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनसे आप लोग अगर रिकॉर्डिंग चाहिए उनका तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे जो कि सर्विसेज फुली सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रेस रिलीज इसीलिए रखा हुआ है कि आप लोग भी हमारी कंपनी के बारे में जानिए और आप लोगों को हम इनवाइट भी करना चाहेंगे कि एक बार हमारे ऑफिस भी आइए, हमारे ऑफिस को भी देखिए और वहाँ पे आप ये भी देखिए कि कैसे हम यहाँ के अगरतला के लोगों को उनकी नीड उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करते हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी चीट फंड है, लोगों से पैसा लेती है, बट जैसे कि अभी मैंने क्लैरिफाई किया कि हमारी कंपनी 64 से काम कर रही है और पिछले 57 ईयर से हम लोग सर्व कर रहे हैं फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में। सो चीट फंड समथिंग एल्स और हम लोग यहाँ पे लोगों को नीड के अकॉर्डिंग उनको बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट देते हैं। हम जानना चाह रहे हैं जी जिस पोर्टल पे आप लोगों को चीट फंड बताया गया है जी किस घटना के भी आधार पे वो बताया गया है, वो लोग ऐसा तो नहीं है बदल एक्चुअली देखिए ये जो हुआ था कस्टमर का जो भी नंबर आया था वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। ठीक है, हमारा आपको बताया हम लोग इंश्योरेंस का डीलिंग करते हैं। अभी कस्टमर बोला था हमें इंश्योरेंस एक लेना है तो वहाँ पे गया था और उनको जाके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था तो प्रॉब्लम हुआ था वो रिजॉल्व हो चुका है। रिजॉल्व होने के बाद वो लोग जैसे रिजॉल्व होने से पहले जैसे मीडिया पे वो लोग ये सब र्यूमर फैलाया है, रिजॉल्व होने के बाद क्या ऐसा कुछ लिखा है उन लोगों ने? अब जैसे कि अब तो ये न्यूज़ पे ही आया ना तो इसलिए हमने ये प्रेस रिलीज रखा है कि हम लोग अपने पॉइंट्स को क्लेरिफिकेशन तो उनको देना चाहिए ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है अभी क्लियर हो गया। हाँ वो रिजल्ट हो चुका है। ये कस्टमर ने क्या क्लेरिफिकेशन दिया है सही पे? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था वो रिजल्ट नहीं, ये तो आपका कस्टमर के बीच हुआ है ना, तो वो क्लेरिफिकेशन क्या लिखित में नहीं है, आप उनसे फिर से बात कर सकते हैं। मिन्हाजुद्दीन शेख, ये एरिया जोनालेट हूँ इधर का। मैं पिछले 2009 साल से अगरतला से और नॉर्थ ईस्ट एरिया में लीड कर रहा है जो हमारा बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी। हम लोग डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर काम करते हैं। मिराजुल इस्लाम বেসিক্যালি আমি আগরতলারই ছিলাম, তো আমি এখানে সিটি ম্যানেজারে আছি। তো আমাদের কোম্পানি যে বেসিক্যালি যে কাজটা করছে সেটা হলো সম্পূর্ণ ফিনান্সিয়ালি গোল কীভাবে এজিভ করতে লাগে। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হলো আমাদের যে ট্রাস্ট, আমাদের মানে কাস্টমার সার্ভিস এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে অ্যাজ এ লাইক রিটার্নিং প্যারেন্টস কোম্পানি যেভাবে সার্ভিস দিচ্ছে। हमारी कंपनी से लेटर गए हैं, उनको इशू हुए कि उन्होंने बिना ऑथेंटिकेशन चेक किए उन्होंने कैसे रिलीज कर दिया। कोई कस्टमर की तरफ से कोई लीगल नोटिस नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं।